रमेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। नए संसद भवन भारत देश को सौंप दिया गया है और पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ उसका उद्घाटन किया गया, मगर उद्घाटन के बाद भी लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। आरएलडी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी हुआ है जिसमें नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की है। ताबूत वही होता है जिसमें मरे हुए इंसान का शव ले जाया जाता है और उसकी तुलना संसद भवन से की गई है। इस पर लगातार बयानबाजी जारी हो चुकी है जहां पे भाजपा ने पूरी तरीके से जमकर फटकार जो है आरएलडी के नेताओं को लगाई है। उसके बीच ओवैसी भी इस पूरे मामले में कूद चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी का कोई भी स्टैंड नहीं है, वह कभी अपने आप को सेक्युलर बताते हैं तो कभी जेडीयू के साथ मिलकर नीतीश कुमार को सीएम बना देते हैं और लगातार वो ऐसे ही बिखरे हुए नजर आते हैं। लेकिन अब लगातार इस पे जो है बयानबाजी तेज हो चुकी है और जब आरएलडी के प्रवक्ता से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया भी काफी हैरान कर देने वाली थी। वह बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानते कि जो उनके द्वारा किया गया है वो एक गलत कार्य है। उन्होंने कहा है कि एक लोकतंत्र में संविधान की हत्या हुई है तो ताबूत बिल्कुल उसके ऊपर स्पष्ट बैठता है और सही बैठता है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया जिसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। हम आपको बता दें लगातार जो विपक्षी पार्टी हैं इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही थी क्योंकि उनका तर्क था कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, जिसको लेकर यह लगातार विरोध जारी था। और मगर अब इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाती है कि एक विरोध से भी आगे ज्यादा बढ़ के जो है विपक्षी पार्टियां आग बबूला होती हुई इस मुद्दे पर दिखाई दे रही हैं और वो एक हद जो होती है विरोध करने की वो कहीं ना कहीं भूलती जा रही हैं। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।